आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है। शनिवार को यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुना गया। जमानत को लेकर 1-1 लाख का बेल बॉन्ड और 5-5 लाख निजी मुचलकों पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा में आधी सजा यानी कि 3.5 साल पूरी करने जाने के बाद उन्हें आखिरकार जमानत मिल गई है और फिलहाल वो अभी एम्स में दिल्ली एम्स में इलाजरत है और बेल बॉन्ड भरवाने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। पहला बार 19 फरवरी 2021 को हमारा बेल पिटीशन रिजेक्ट किया गया था, ये कहते हुए कि हम लोग 1 महीना 17 दिन शॉर्ट कर रहे हैं, हाफ ऑफ सेंटेंस है। हम लोग ने 6 अप्रैल को उसे कंप्लीट कर लिया है, वही हम लोग का आधार था बेल का कि हम लोगों ने हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, अब हमें बेल दिया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा इसे माना गया, हम लोग को बेल ग्रांट किया गया है। कंडीशन ये इम्पोज किया गया कि 1 लाख का 2 सुरेटी हमें देना है और 5-5 लाख रुपये मतलब कि 10 लाख रुपये फाइन डिपॉजिट करना है। लालू यादव को जमानत मिलने के बाद उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है और आरजेडी सुप्रीमो के बिहार की राजनीति की मुख्यधारा में जल्द शामिल होने के संकेत भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को उन्होंने अपना 33वां जन्मदिन मनाया था, वहीं जमानत मिलने से उनकी खुशी दोहरी हो गई है।